See you now, come on! आपको पूछ रहे मेरे से मैं करूं मैं तो थोड़ा लाउड बोलना मनु बस हाँ बस रोलिंग मनु से ये बताइए कि दो जीत गया इस बात की खुशी है या फिर आप इस बात थोड़ा जबरदस्त वाली खुशी है मुझे जबरदस्त वाली बस दादा मेरे को देना मेरे शरीर पे करीबन 10-12 घाव है अंदर दिल पे बहुत सारे घाव है और जर्नी बहुत जबरदस्त थी हमने बहुत अच्छे से जी है खाने को कम ज्यादा मिलता था पर मैनेज करते थे बिग बॉस दो दिन तक सुसु रोकने का बोलता था पर हम लोग मैनेज करते थे क्योंकि हम लोग कुछ बनना चाहते थे और ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज से ज्यादा हम लोगों को ललक थी जीतने की हम लोगों ने अपना शायद अपना 100% दिया है और दिखा भी होगा और जीतना चाहते थे इसलिए जीतने की सारी स्टेजेस पार की दो ऑप्शन थे पैसे मिलने के दोनों भी पार किए शो से बाहर तो था नहीं तो मैं देख सकता कि मीडिया क्या रिस्पॉन्स कर रही है या कौन विनिंग या लॉस सोच रहा है एक बहुत क्लियर सी बात थी मेरे दिमाग के अंदर स्टार्टिंग से ही कि अगर सपोज टू बी मैं नॉमिनेट होता हूँ सपोज मैं नॉमिनेट होता हूँ और नॉमिनेशन से चला जाता हूँ तो मुझको कहीं पे एक गलत फहमी रह जाती कि यार बहुत सारे फैंस होते होंगे बहुत सारे फॉलोअर्स होते होंगे तो कल को अगर मैं निकल जाता तो मेरी गलत फहमी निकल जाती पर मैं उसको बरकरार रखना चाहता था इसलिए मैंने एक रास्ता लगभग मिड ऑफ द शो डिसाइड किया था कि मैं जब भी शो को छोड़ूंगा तो मैं अपने इविक्शन का प्लान करूंगा जब वो सूट के साथ है क्योंकि फॉलोअर हूं पिछले 3-4 साल से शो देख रहा हूं मैंने अंदर भी ये बात बोली थी तो सही टाइम पे मुझे डिसीजन लेना था इसलिए मैंने 13 सेकंड लगाए मैंने बैग लिया और मैं बाहर निकल गया क्योंकि आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखने के लिए शो के अंदर गए थे तो आप खत्म भी उसको अपने तरीके से करो ज्यादा मजा आएगा मैं नहीं कह रहा कि फॉलोवर्स वोट नहीं देते या फैंस पीछे नहीं होते या वो सपोर्ट नहीं करते डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारा किया होगा तभी इतने सारे कैमरास का आप सब लोग आए हो बट फिर भी आप अपनी स्टोरी खुद लिखे हैं उसको खुद ही खत्म करें तो क्रेडिट सारा आप ही को मिले मनु आपने बोला कि आप 3-4 साल शो को फॉलो कर रहे थे बट उसके बावजूद 15 वीक हो गए आप कैप्टन नहीं बन पाए क्या वजह थी उसकी सर डेफिनेटली अगर अपन बाहर से देखते हैं तो एक 45 मिनट का शो दिखता है जिसमें से भी फिल्टर एडिट हो गया अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं तो उसके अंदर ये कहना बहुत आसान होता है कि अपन कैप्टन क्यों नहीं बन पाए या क्यों बन पाए पूरी की पूरी जर्नी को अगर बहुत अच्छे से फॉलो किया जाए तो मैं दिल से चाहता था कैप्टन बनना बट जब मेरी दिल और मेरे साथियों की दिल में से मुझे लगा कि यार ज्यादा डेडिकेटेड दिल मनवीर की मुझे लग रही है कि यार वो बनना चाहता है तो हम दोनों ने मिलकर के म्यूचुअली डिसाइड किया कि पहले तू जो दोस्त करते हैं और हम लोगों ने भी डिसाइड किया बट कहीं से उस पहले तू में मैंने थोड़ा ज्यादा डिसाइड किया होगा तो हम लोगों ने मिलकर के मनवीर को कैप्टन बनाना चाहा उसके बाद जब भी चांस मिला मैंने ट्राई किया और ट्राई करने के बाद मैं मॉल में भी गया पर अगर मनवीर को ज्यादा वोट्स मिल गए उसको ज्यादा प्यार करने वाले थे तो मैं नहीं बन पाया मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं क्योंकि अंदर मैं थ्रू टू एंटायर शो डे फर्स्ट से लेकर लास्ट तक लीडर था अपनी कॉमनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था और उनके साथ में मजे से चल रहा था उनके गलत और सही को भी अपने साथ लेकर के चल रहा था ब्लेम्स एलिगेशंस भी लेना था तो मेरे हिसाब से मैं थ्रू आउट सीजन कैप्टन था मनु ज्यादा मूव मत करना प्लीज मूव मत करना प्लीज विशाल तो आपको ऐसा लगता है एक्चुअली सपोर्ट अगर आप सपोज टू भी किसी को देते हो या कोई आपके सपोर्ट से आगे बढ़ता है तो आप एक अच्छा सपोर्ट होते हो तभी तो वो आगे बढ़ता है और सपोर्ट को कभी हक नहीं बनता कि वो उस तरह की बातों को ऐसे लेके मेरा यूज हो गया नहीं मेरा बिल्कुल भी यूज नहीं था हम दोनों साथ चलते थे साथ दौड़ते थे साथ उठते थे साथ सोते थे साथ खाते थे तो एक जैसी मेंटेलिटी हो रखी थी बट ये जरूर था कि हम कॉम्पिटिशन को कभी आपस में नहीं देखते थे तो चाहे पहले तू या पहले मैं तो उसमें ये सारे सवाल नहीं आते कि मैं कॉम्पिटिशन देख रहा हूँ या मुझे कहीं ये वाली फीलिंग थी कि यार मनवीर कहीं आगे नहीं चला जाए और ना मनवीर को भी मुझसे ऐसी फीलिंग बट कहीं आपके और मनवीर के जो फ्रेंडशिप है उसमें क्वेश्चन मार्क आया जब वो वाला एपिसोड आया कि आप फाइनलिस्ट नहीं है जब आपको ये टैग लगाया गया तब आप रूम में गए और उसको आपने फेंका और आपने बोला लोपा को मनवीर थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया थोड़ा बदल गया तो ये जो आपने भी क्वेश्चन पूछा है दो बातें हैं अलग अलग जब मेरे को टैग दिया गया तब एक कार्य दिया गया मनवीर को कि मनु के गले पर आप घर में जिसको भी ये कन्विंस करके टैग डालते हैं गले के अंदर कि वो फाइनलिस्ट बनने लायक नहीं है ये भी एक फ्रेंडशिप प्रूव करती है दोस्तों कि आप फाइनलिस्ट बनने लायक नहीं है वो टैग उसको पहना दें आपको जो लगता है कन्विंस करें उसको
तो मनवीर को कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, उसने सीधा के मुझे बोला यार भाई ऐसा टैग मिला है, मैंने कहा भाई मैं गले में पहनूंगा क्योंकि मैं फाइनलिस्ट बनने लायक हूं या नहीं हूं ये तो आप लोग डिसाइड करोगे, व्यूअर्स डिसाइड करेंगे। तो घर के अंदर तो हम बेचारे कुत्ता भालू बंदर सब बने थे, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक टैग गले में डाल दिया जाए तो। और जो आप बात बोल रहे हैं कि मैंने लोपा को कहा था, लोपा थोड़ा सा रोहन के बाद जाने पे हल्की सी डल हो गई थी, तो दो तरह की थेरेपीज होती है, अगर कोई डल हो रहा है तो या तो उसको एकदम से हंसा दो या एकदम से उससे लड़ लो, तो उन दोनों चीजों का रिएक्शन देगा। तो मुझे लगा था थोड़ा सा इसको सपोर्ट करो, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, क्योंकि हम सबको एक्चुअली मैं सिर्फ अपना गेम खेलने के लिए नहीं गया था, मैं सिर्फ अपने लिए शो करने के लिए गया नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कहीं पर अगर कोई, मैं अपनी आम जिंदगी में भी ऐसा हूं, अगर मुझे लग रहा होता है सपोज टू बी कि यार ये थोड़ा सा कम हो रहा है, ये थोड़ा सा ढीला हो रहा है, तो मेरी दिल करती है उसको सपोर्ट करने की। अगर आप एंटायर शो की जर्नी देखेंगे तो बानी जे भी कहीं पर सपोर्ट चाहती थी तो भी मैंने उसको दिया था और बाकी कंटेस्टेंट्स को तो दिया ही। लेफ्ट राइट थोड़ा साइड में हो जाओ प्लीज, आप लोग हाथ आ रहे बोलेगा छोड़ दो ना स्टाइल जी। देखो एक्चुअली मैंने अभी आपसे सुना है कि मैं शो में वापस आने के बाद बदल गया था, मुझे तो ये पता चला नहीं बदल गया हूँ। तो देखो एक हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है मदर, तो अगर सपोज टू बी एक शो के बीच में चलते हुए मैं लास्ट में मिल भी नहीं पाया अपनी मम्मी से और ये इंसिडेंस हो गया, तो हो सकता है डेफिनेटली मैं आने के बाद में थोड़ा चेंज हो गया हूँ, मैं इस बात को मना नहीं कर रहा। मैं मीडिया पब्लिक या किसी भी इससे मिल तो पाया नहीं था, आप लोगों ने देखा होगा अगर मिल पाया होता तो शायद मुझे कोई स्टेटस ही मिल जाती या प्लान मिल जाता, घर में किसी की डेथ हो जाती है तो ऐसा तो नहीं आप एपिसोड वॉच करके एंजॉय कर लोगे, तो वो भी मैं कर तो पाया नहीं होगा। तो मेरे पास कोई प्लान कुछ नहीं था, मैं जब अंदर गया तो अंदर जाकर के वापस मैं उस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो गया। हाँ मैं अपने घर की बाहर की परेशानियों को भूलना चाह रहा था, छोड़ना चाह रहा था, उनसे भाग रहा था, दूर हट रहा था कि अगर उस फेस में जाऊंगा तो शायद मैं रह ही नहीं पाऊंगा, कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं मेरी दुनिया में सबसे ज्यादा, हम सब अपनी दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी मदर के करीब होते हैं, तो उनका मुझे नुकसान बहुत था। पर मुझे कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा था कि शायद मैं शो के अंदर जाता हूं तो मैं इन चीजों को भूल पाऊंगा, मेमोरीज मैंने भूली भी, और अगर कुछ चेंजेस आए होंगे तो दोस्तों अगर 3 घंटे की पिक्चर देखने के लिए जाते हो तो अप एंड डाउन तो होते हैं, तो यार मेरे से भी होगा, 105 दिन में तो कोई गलती नहीं, अगले बार में ध्यान रखूं। मैं दोबारा से एक बात बोलता हूँ आपको कि अगर आपको ऐसा लगा कि मैंने इन लोगों को कंपेयर किया तो शायद मैंने नहीं किया था, कंपेयर किया था एक बार से गेस्ट आया था उसने आकर के ऐसे बोला तो मैंने पलट के उसको जवाब दिया कि हाँ एक्चुअली लोपा थोड़ा सा गलती कर रही है। और मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, उस घर के अंदर प्लीज किसी भी एक आपके नोन को या किसी रिलेटिव को या किसी अपने को चांस मिले ना तो प्लीज एक बार भेज के देखो, उस घर के अंदर अगर सुबह उठने पर अगर कोई किसी से हंस के बात भी नहीं करे ना तो सामने वाले का पूरा दिन खराब चलाता है, क्योंकि हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं होता, कोई सपोर्ट नहीं होता। तो एक दूसरे की मदद करने के लिए अगर कभी 19-20 छोटी मोटी बातें बोली भी होंगी तो एक दूसरे को खुश करने के लिए बोली होंगी। और लोपा बहुत अच्छी इंसान है, लोपा बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत से ज्यादा कॉन्फिडेंट है लोपा, और वो आगे भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेगी। मैं लोपा के लिए सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि लोपा एक सिंगल आइडेंटिटी लड़की थी जिसने अपने आप को शायद नई ताजा सेलिब्रिटी थी इसलिए कर रही थी, उसने पूरी कोशिश की कि वो बीइंग अ कॉमनर सबसे मिले भी सबसे जुले भी और अच्छे से अच्छा काम करे, कहीं गलत भी होती थी कहीं सही भी होती थी, मेरी तरह वो हर जगह घुसने की कोशिश करती थी, लड़ती थी झगड़ती थी कुछ भी करती थी, तो मेरे लिए तो लोपा मुद्रा को सैल्यूट, बहुत अच्छी। ओके मनु अंकल ये भी बोला कि बानी के लिए आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, और आपने कहा था कुछ मैं ऐसा बोलूंगा तो कल वो हेडलाइन बन जाएगी, तो ऐसी क्या दोस्ती में ऐसी बात थी जो आपको लगता है कि वो हेडलाइन बन जाएगी? आप अभी मेरे पास क्यों आई हैं? बेनिफिट अभी आप मेरे पास इसलिए आई क्योंकि मैं एक शो करके आया हूँ, तो आप इसलिए मेरे पास आई हैं, वरना कल तक मुझसे लोग हजारों रोड पे घूम रहे थे आप नहीं आई थी। तो क्या सिचुएशन थी कि जब बानी जी अकेली हो गई थी, बानी के पास कोई दोस्त नहीं था, तो बानी जी ने उस मोमेंट का पर्टिकुलरली देखा जब 5-7 दिन पिछले ऐसे रहे हैं कि जहां पे मैं अकेली हूं, तो बानी ने अच्छा डिसीजन लिया, उसने एक इनिशिएट हमारी तरफ बढ़ाया, एक इनिशिएट मनु मनवीर तो हमेशा सामने वाले की तरफ बढ़ाते थे तो हम लोग दोस्त बन गए। तो ये कोई ऐसी उसकी प्लानिंग नहीं थी, कोई हमारी प्लानिंग नहीं थी, बट एक अच्छी दोस्ती थी, तो जब जिसकी जरूरत होगी वो उसके पास तभी आएगा, वरना उसके पास क्यों आएगा। आपको एक बार फिर बताता हूँ, फ्रेंड्स विद बेनिफिट का मतलब ये हुआ कि जब पूरी सीजन को चलते हुए जैसे हम लोगों के पास सटन दोस्त रहे, हमने स्टार्टिंग में कुछ दोस्त बनाए, उनके लिए अच्छा बुरा हुआ, जैसे आप कह रहे हो कैप्टनशिप का रिग्रेट नहीं हुआ, मनवीर आपके सपोर्ट से आगे चला गया जैसे आप लोग कह रहे हो, तो इन सब चीजों को हमने नजरअंदाज करते भी फ्रेंडशिप को कंटिन्यू रखा। बानी के साथ ये होता था यूजुअली, अगर आप लोगों ने भी शो देखा है तो गौरव अगर उसकी बात नहीं मानते हैं या उससे नाराज हो जाते हैं या खुश नहीं होते कभी किसी बात पे, तो वो उससे रिलेट ना करते हुए उसकी बात से सुलझते ना समझते ना अलग हो जाया करती थी, तो ये चीजें थोड़ी कम समझ में आती। और रेगुलरली उसके फ्रेंड्स चेंज हुए, वो बने और हटे
तो ऐसा लगा फ्रेंड्स विद बेनिफिट बना रही हो तुम। और ये मेरा फाइनल स्टेटमेंट मेरी तरफ से वानी के लिए था। अभी 5-7 दिन जो लास्ट में वानी के साथ रहा हूँ, मुझे भी वानी के साथ रह के बहुत अच्छा लगा। अब नेक्स्ट तो जब मैं अगर बॉम्बे सपोज टू भी आता हूँ, शिफ्ट होता हूँ, अगर वो कह रही थी किराए में मकान भी दिलाने के लिए सपोर्ट नहीं करेगी, अगर करती है तो पता चलेगा, नहीं करती है तो पता चलेगा। प्रियंका ने बाहर निकलने के बाद कहा है कि उन्होंने सलमान खान को घर के अंदर पीटा और सलमान खान को आपने कहा कि छोड़ दो बाबा जी, आप मत मारो अरविंद केजरीवाल को। स्वामी के लिए मैं डेफिनेटली आपको इस बात का जवाब देता हूँ, पर पहले एक क्वेश्चन करते हैं कि बाबा जी सलमान को मारा है क्या? बाबा जी ने, हाँ मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ, सलमान खान को भारत में कोई नहीं मार सकता, भारत में कोई नहीं मार सकता, ठीक है, क्योंकि हमारे सामने ही कहा आते थे कि हम कुछ कह सके उनको, वो एक टीवी स्क्रीन पे होते हैं, हम लोगों को फ्राइडे एपिसोड्स में दिखते हैं और हमसे वो इंटरेक्ट करते हैं, और एक वो सिंगल आदमी है जो हमारी सबसे ज्यादा मदद करते हैं, सबसे ज्यादा हमारी मदद करते हैं सलमान खान एपिसोड्स पे आकर के, जो शायद चैनल भी नहीं चाहता होगा, जो शायद क्रिएटिव्स भी नहीं चाहते होंगे, हमको वो भी सजेशन देते हैं, हमको समझाते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से कि देखो प्लीज आप इस रास्ते पे गलत जा रहे हैं, इस रास्ते पे सही जा रहे हो। कई बार वो बातें बहुत बुरी लगती हैं, हमारे बड़े भी हमको कुछ सजेस्ट करते हैं तो हमको कभी अच्छा बुरा लगता है, बट उनके सजेशन हमेशा अच्छे होते हैं। और स्वामी ओम तो क्या कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी भी उनके पास नहीं जा सकती, क्योंकि थ्रू आउट द शो हमारे दोस्त थे, हमारे मेंटोर थे, उन्होंने हमारी हमेशा मदद ही की। बाहर की उनकी जो दुनिया रहती है उससे हम काफी ये रहते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है। सेलिब्रिटीज के साथ अंदर डील करते हुए आपको कैसा लगा कि कैसे है वो लोग और कितना डिफिकल्ट है उनके साथ डील करना? एक्चुअली एक आम आदमी की तरह मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब मैं अंदर गया सेलिब्रिटीज से मिलकर, मुझे बहुत मजा आया। कौन है भाई? और डेफिन वेरी गुड, एक्चुअली मुझे अंदर जाके बहुत अच्छा लगा सेलिब्रिटीज से मिलकर, और नो डाउट मैं भी उनको उसी नजर से देखता हूँ जैसे हर आम आदमी देखता होगा। बट हम लोगों के साथ में एक वर्सेस का टैग था कि हम लोगों को एक कॉम्पिटिशन में छोड़ा गया था। मैं बहुत क्लियर सी बात बोलता हूँ, मैं जब छोटा था अगर हमारी कॉलोनी में 51 रुपए का एक मैच भी होता था क्रिकेट का तो हम पूरी शिद्दत से उसको खेलते थे। सामने वाली टीम में मेरा सग्गा भाई होता था तो भी मैं सोचता था कि ऐसी फुल टॉस बॉल मारूं इसको लगे और ये गिर जाए, किस तरह से मेरी टीम जीत जाए। तो बस वही कोशिश में हमारी थी, हम अंदर गए, हमने पूरी कोशिश की कि वो फुल टॉस बॉलें चलाए जिनको वो खेल नहीं पाए और जिससे वो गिर जाए, तो हमने हमारे हिस्से की पूरी कोशिश की। वो डिसिप्लिन थे, तरीके से खेलते थे क्योंकि ऑलरेडी वो कहीं पर अच्छी जगह पे थे, शायद हमारे पास थोड़ी गाइड 19-20 होगी क्योंकि हमको किसी ने समझाया था कुछ था नहीं, इन लोगों ने तो बस जो शॉर्टलिस्ट हुए उन लोगों को गेट ऐसे धक्का दिया और गेट बंद कर दिया, तो कहीं पर हम लोगों को कुछ आइडिया भी नहीं थे, बाद में कुछ सुनते नहीं है, बात करते नहीं है, जवाब देते नहीं है, तो जैसे हम गए हमारे तरीके से गए, सेलिब्रिटीज बिल्कुल सही तरीके से गए, अगर शायद वो भी हमारी तरह बाहर होकर के आते तो फिर शो ये कलर्स पे नहीं आ रहा होता, किसी और चैनल का था। देखो एक्चुअली मैं फिर एक बात बोलूंगा, 45 मिनट का एक एपिसोड आता है, उसमें आप 45 मिनट में ही देखते हो कि स्वामी ने कोई गलती की और हम उसको पकड़ के अपनी तरफ लेकर आ गए और हम लोग हंस के उससे बात कर रहे हैं। मैं आपको बहुत क्लियरली बोलता हूँ 45 मिनट को कितनी बार इंटू करेंगे तो हमारे जगने वाले 8 घंटे काट के बाकी के घंटे बचेंगे, तो उन 16 घंटों में वो स्वामी उनको न खाना बनाना आता है न खाना आता है, वो साफ सुथरा नहीं है, उसको नहलाने भी भेजना पड़ता है, उसको सारे काम करवाने पड़ते हैं, तो अगर एक पागल बुड्ढा उन्होंने घर में छोड़ दिया है तो उससे डील करना, उसको हैंडल करना, उसका ये भी ध्यान रखना कि वो खाता पीता है नहीं करता है, अपनी टैबलेट्स भी ले रहा है नहीं ले रहा है, तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले अगर हमारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होता है नाराज होते खाना छोड़ देता है या अपनी दवाइयां लेना छोड़ देता है, तो थोड़ा सा उस ध्यान रखते हुए हम लोग थक थक के पक पक के 12-13 किलो वजन देकर के सिर्फ उसके साथ वो दिन काटने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से चीजें सीधी हो, और एक एक आधे आदमी को तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे शो में लेनी थी कि भाई चलो इसको पकड़ के रखते हैं इधर उधर जाकर के आपने ऐसे किसी काटे खाएगा, तो बस वो कोशिश कर रहे थे, उसमें हाथ गंदे हो रहे थे, आप लोगों को अच्छी बुरी दिख रही। मनु आपको बैकबाइटर और चुगली कर का टैग दिया गया था, और डुअल पर्सनालिटी कह रहे थे, मुझे फक्र है इस पे बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं फिर एक बात बोलता हूँ, अगर 16 घंटे आप किसी घर में रहोगे, आप में से कोई भी अपने पूरे दिन की जर्नी देख लो, बाहर जाने के बाद में एक दूसरे के लिए बोलोगे मुझे बोलने नहीं दे रहा था, ये मुझे बात नहीं करने था, वो मेरा कैमरा फुटेज खा रहा था, अपन ह्यूमन है, ह्यूमन सारी बातें करेगा घर के अंदर, पर इनको जिसमें कंटेंट दिखा इन्होंने वो चीज आपको दिखा दी, दैट्स ऑल। बाकी एक बहुत सिंपल सी बात है, आदमी खाना खाएगा तो उसको बर्प भी आएगा, उल्टी सीधी हरकतें भी करेगा, अच्छी बुरी बातें भी करेगा, बस अब दिखता क्या है बिकता क्या है वो आप लोगों को ज्यादा पता होगा, बस हमारा तो फर्स्ट शो है, हमको।